اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير पाक है वो जात जिसने अपने ख़ास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम इसे अपनी अजीम निशानियाँ दिखाएं बेशक वही सुनने वाला देखने वाला है अबिस मुबारक में लफ्ज़ सुबहान जो आता है इसका माना है पाक इसका माना यह है कि अल्लाह की ज़ात हर ऐब से हर नुख़ से पाक है हजरत हज़रतलबैदरदी अल्लाह तु फरमाते हैं मैंने हजूर सल्ला वसम से सुबह अल्लाह की तफसीर के बारे में दरियाफ़्त किया तो प्यारे नबी सल्हु वाल वसम ने इर्शाद फरमाया हर बुरी चीज़ से अल्लाह की पाकि बयान करना इस रिवायत को इमाम हाकिम ने अलमुस्तरक में रवायत किया है हदीस 1891 थाउजेंड अल्लाह के फिर बड़े फ़ज़ाइल भी हैं जिसे ने अपनी अपनी किताबों में जमा भी फ़रमाया है और फिर हदीस की किताबों में भी आते हैं और इसमें इलाही जो है ना इसका एक असर होता है जब भी आप अल्लाह का जिक्र करते हैं उसका एक असर होता है एक रूहानी असर होता है इसलिए जितने असमां और हसन हैं उनके अलग अलग असरात हैं बहर सुबहदी यानी पाक है वो जात। इस आयत का मफहम यह कि हर कमज़ोरी से हर ऐब से हर नुख़् खुदाबंद की अजीम ज़ात पाक है जिसने अपने ख़ास बंदे यानि मोहम्मद रसूल सल्ला वसलम को शब राज रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अकसा तक सैर कराई हालाँकि मस्जिद अकसा मक्म मुकरमा से तीस दिन से जायद की मुसाफ़त पर उस जमाने के लिहाज से है वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने दीनी और दुनियावी बरकतें रखी अल्लाह कहता है और सैर कराने की हिकमत ये थी कि अल्लाह वजल अपने हबीब को अपनी अजमत और कुदरत की अज़ीम निशानियाँ दिखाना चाहता था और रिवायत है कि जब प्यारे नबी सल्ला वसम शब में राज आलिया और मरातब रफ़िया पर फ़ायज़ हुए तो अल्लाज वजल ने ख़ाब फ़रमाया कि या महम्मद सल्ला वसलम ये फ़जीला तो शर्फ़ मैंने आपको क्यों आता फ़रमाया अलैहि सल्ला वसल्लम ने अर्ज़ की इसलिए कि तूने मुझे अबदीत के साथ अपनी तरफ़ मंसूब फरमाया इस पर यह आया मुबारक नाजिल हुई इस तफसील को तफ़ी खाजन में इसी आया मुबारक के तहत बयान किया गया है और ये जो असरा अभी आपदी ही है कि अपने बंदे को सैर कराई आयत के इस हिस्से में हुजूर सल्लल्लाहु हजूर सल्ला वसल्लम के मराज का तस्करा है और हुजूर मराज हजूर सल्ला वसल्लम का एक जलील मुजज़ा है और अल्लाह की अजीम नेमत है और इससे हुजूर सल्लल्लाहु हजूर सल्ला वसल्लम का वो कमाल ज़ाहिर होता है जो मखलूक़ इलाही में आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम के सिवा किसी को मैसर नहीं देखो ना अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हो तो अपने हाँ उसको दावत पर बुलाते हो मदड़ू करते हो और ज़्यादा इज्जत देनी हो तो सवारी भी भेज देते हो और ज़्यादा इज़्ज़त देनी हो तो अपना कोई बिल्कुल ख़ास टॉप नाच अपने सिम्पल बिल्कुल टॉप नाच कोई बंदा भी साथ सवारी के भेज देते हो कि आए तो बड़े प्रोटोकॉल से आए, तो मेरे प्यारे नबी सल्ला वसलम को अलाज वजल ने जब इसरा और मराज पर लेके गया तो उस वक्त अल्लाह ने सवारी भी भेजी और सवारी भी ऐसी कि जो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ चलती हो और अपने सवार को ना गिराती हो ना सवार को कोई ऐसी कमी महसूस होती हो कमाल है ना रब कायन का अच्छा फिर आगे देखें ना साथ भेजा भी किसी अमीन को जो मलायका के सरदार है तो मलायक के सरदार को भेजा कि आप इन्हें इज़्ज़त से लें रिसीव करें और वहाँ से फिर वो सवारी जो जन्नती सवारी है उस पर बिठाएं और इस ख़ास सैर की तरफ़ ले जाएं और मेराज शरीफ से मुतक़ तीन बातें काबिल ज़िक्र हैं एक तो ये कि नबूत के बारहवें साल मक्की ज़िंदगी में मेराज जो है वो हुई और प्यारे नबी सल्लल्लाहु सल्ला वसलम को इस एजाज़ से नवाज़ा गया अलबत्त महीने के बारे में, में बाज़ल इख्तलाफ़ करते हैं मगर मशहूर यही है कि ये रजब में हुई और रजब की सत्ताईसवीं रात थी अच्छा मक्का मुकरमा से हजूर सल्लाम का बैतुलमुकदस तक जो रात का ये जो सफर है ना इसको इसरा कहते हैं और यहां से जो आसमानी सफर है इसे महराज कहते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम का मुकद्दस से रात के छोटे से हिस्से में ये तशरीफ़ ले जाना ये कुरान से साबित है और इसका मुनकिर काफिर है और आसमानों की सैर और मनाजिल जो है ये इन मनाजिल वो ऐसी मनाजिल के जो कुर्ब इलाही का ज़रिया हों उन तक पहुँचना ये अदी से से बिल्कुल साबित है बुखारी शरीफ उठा के देख लें मिसाल के तौर पर बड़ी तवातुर से और बाज़ उलमा ने सूरतनाजम की तफसर में ये बताया कि सूरत ननजम मराज की बात करती है और सूरत अस्सरा जो है वह इसरा की बात करती है सूरत असरा को सूर बनी इसराइल भी कहते हैं इसके दो नाम हैं और एक बात ये भी याद रखें कि मेराज शरीफ जो है ये बहालत बेदारी में हुई जिसम और रू दोनों के साथ हुई और यही जमहूर अहल इस्लाम का अकैदा है और अजहाब रसूल सल्लाम की कसीर जमातें और हज़ूर सल्ला वम के जलील साहबा इसी के मतद है आयत और अहदीत से भी यही समझ आता है और जहाँ तक उन फलसफ़ियों का ताल्लुक है जो बिल्कुल कड़ील चीज़ों में फंस के रह गए हैं और अजीब व गरीब बातें करते हैं तो वो किसी न किसी महज बातिल चीज़ की इतबा में पड़े हुए हैं बात उन्हें समझ में नहीं आई और कुदरत इलाही के मतद नहीं मालूम होते बहरहाल उनके जहनों में शुभात आते हैं और इसकी तफसील जो है वो तफसीर की किताबों में भी है और अलैहि सल्लास के दुरूस में मैं भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ एक मोटी सी बात बताता हूँ देखो जब ख्वाब की बात हो तो अबू जहल को भिदकने की क्या ज़रूरत थी भी ख्वाब तो कोई भी देख सकता है तो प्यारे नबी ने भी देख लिया और ख्वाब में कोई कहीं जाए क्या बड़ी बात है ख्वाब की बात हो तो अबू जहल को वो रिएक्शन ही नहीं देना चाहिए था जो उसने दिया कि वो जा जाके सिद्दीक अकबर से तस्दीक करवाता फिरे कि तुम्हारे साहिब क्या कहते हैं सुना है तुमने ख्वाब की बात है अच्छा ख्वाब की जब की जब बात होती है ना तो ख्वाब में वक्त का तयन नहीं होता यहां पर तो अल्लाजल कह रहा है सैर कराई और रात को कराई ख्वाब में कोई वक्त का तयन थोड़ी होता है इंसान रात में ख्वाब देखता है उसमें सुबह देख रहा होता है सुबह ख्वाब देखता है उसमें दोपहर देख रहा होता है दोपहर ख्वाब देखता है उसमें कुछ और देख रहा होता है तो ख्वाब में तो वक्त का यहाँ तो वक्त का तयन करने का मकसद यह है कि वो बात असल है ख्वाब की नहीं है और रूह भी है और जिसम भी अच्छा बाज कहते नहीं कि रूहानी सफर था ना ना तुम प्यारे नबी के मुकाम के तनखीज़ के कायल हो क्या है रूहानी सफ़रों में कभी रात दिन के तयन होते ये रूहानी और जिसमानी दोनों का सफर था इसलिए बड़ी तफसील से इस पर फिर बात आती है जो मैंने आपसे पहले भी सीरतनबी स बाजाबता इस पर कोई डेढ़ घंटे के करीब तीन दरूस हैं या अच्छा, दो घंटे के करीब तीन चार दरूस हैं तो अगेन ये बताना आज आपके सामने ये आया मुबारक का एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रखना और इस इस उलझन की सुलझन भी पेश करना था कि जो ये लोग इस मुगालत का शिकार हैं कि आया इसरा और माराज जो है वो समझते हैं कि शायद कोई ख्वाब की बात थी या सिर्फ रूहानी सफ़र था तो रूहों को फिर सवारियां नहीं चाहिए होती है वो तमाम इंतज़ाम नहीं चाहिए होते और वो तमाम अदीस से मुबारक जो तवातुर के साथ आती हैं हदीस की किताबों में फिर उनकी ज़रूरत नहीं थी अगर ख़्वाब की बात थी और ख्वाब की बात थी तो उन लोगों ने कैसे मुशाह कर लिया जो ज़मीन पर चल फिर रहे थे इस पर भी बड़ी तफसील से वाक़ात मौजूद है, है? कि शाम में बैतुलमुद्दस के पादरी ने भी मुशाह किया और वो जो काफ़िला आ रहा था जो मक्के पहुँचने वाला था उन्होंने भी मुशाह किया अगेन जैसा मैंने आपसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम में तफ़ीत मौजूद हैं आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की प्लेलिस्ट में जाएं और उसके अंदर जाकर तफसीलात आप आराम से सुन सकते हैं तो इसलिए यहाँ तफसील बताना मकसूद नहीं है यहाँ पे मकसूद है कि इस प्यारी बाबरकत रात में अल्लाबहान व ती अपनी रमत नाजिल फ़रमाता है और ये एक रहमत ये थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुक़ाम पर फायस फ़रमाया जिस मुक़ाम पर फ़ायज़ फरमाया और वो अज़मतें अता फ़रमाईं जो अज़मतें अता फ़रमां साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ मेराज की एक प्ले लिस्ट भी है जिसमें फिर कई घंटों पर मेराज पर और इससे मुत्ल कई बातों पर जो है वो जवाबात मौजूद हैं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने यहाँ सवाल करने जो लोगों ने लेट चैनल ज्वाइन किया है क्या हुजूर की मुलाकात हुई पाक परवरदिगार से और इस तरह की और तमाम और मुख्तलिफ मिराज से मुतालिक सवाल और मिराज की और डिटेल्स और उसके अंदर पूरी एक प्ले लिस्ट है उसको आप विज़िट करें और उसमें बड़ी तफसील से हमने इन मसाइल पर बात की है और अगेन जब हम मसाइल पर बात करते हैं तो फिर हम अपनी ओपिनियन या अपनी राय नहीं दे रहे होते आपको आपको पता है कि इन शह ती सु हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी और यही कोशिश रही है कि आपको दलाइल जो है वो लमा से देते हैं مشائخ سے دیتے اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں کرے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا امین یا رب العالمین Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.